हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम करेंगे बैंकिंग करंट अफेयर्स का थर्ड पार्ट। ये लास्ट पार्ट होगा, इसमें मैंने रिमेनिंग जितने भी करंट अफेयर्स थे बैंकिंग से रिलेटेड सारे कवर कर लिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच इनोवेशन प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फिनटेक अनाउंस इट्स पार्टनरशिप विद द RBI टू होस्ट प्रेस्टिजियस हार्बिंगर 2024 हैकेथॉन। हार्बिंगर 2024 हैकेथॉन लॉन्च होस्ट करने वाला है। RBI किसके साथ मिलकर होस्ट करेगा ये पूछा गया है। तो ये करेगा एपिक्स के साथ। एपिक्स जो है एक ग्लोबल कोलैबोरेटिव इनोवेशन प्लेटफॉर्म है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फिनटेक्स के लिए। ये ओवर 90 कंट्रीज हैं। इनका जो कोलैबोरेशन का एम है कि अलग अलग जो भी माइंड्स हैं उसे एक स्टेज पे लेके आ सके और जो भी कटिंग एज सॉल्यूशन है वर्ल्ड के लिए वो डेवलप कर सके, जिससे सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इकोसिस्टम बढ़ेगा, अच्छा इम्प्रूव होगा। विच पेमेंट बैंक पार्टनर्ड विद डिया मनी ट्रांसफर टू रिवॉल्यूशनराइज रूरल रेमिटेंस सर्विसेस। ये किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। रिया मनी ट्रांसफर के साथ मिलके जो भी रूरल रेमिटेंस है उसे रिवॉल्यूशनराइज किया गया है। जैसे कि जो भी ग्लोबल लीड, ये रिया मनी ट्रांसफर ग्लोबल लीडर है क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर में। और ये एक बिजनेस सेट है यूरो नेट वर्ल्ड वाइड इनकम, जिससे जो भी रेमिटेंस है रूरल इंडिया में वो उसमें चेंजेस आ सके, वो इनोवेशन कर सके। इसका एम ये है कि जो भी कन्वीनियंट और अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज है उसे डायरेक्टली डोर स्टेप तक पहुंचाना है रिमोट एरियाज में। और एक चीज नोट कीजिएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इम्प्लीमेंट किया है आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम ट्रांजैक्शन। अब आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम ट्रांजैक्शन जो है वो क्या होता है कि ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी करते हैं पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स पे वो आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू होगा, और ये अलग अलग बैंकिंग सर्विसेस के लिए होगा। अब इसमें जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सर्विस चार्ज लेगी। तो फर्स्ट थ्री आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम जो है वो पर मंथ कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, मिनी स्टेटमेंट ये फ्री होंगे इंक्लूडिंग, ठीक है। तो ये पहले 3 महीने फ्री रहेगा, फर्स्ट नहीं पहले 3 महीने के, ओके फर्स्ट 3 पर मंथ फ्री रहेंगे। बट उसके बाद अगर आप 4 टाइम कर रहे हो तो फिर उसमें चार्जेस जाएंगे, जैसे ₹20 प्लस GST पर ट्रांजेक्शन होगा अगर कैश विड्रॉल है तो, और ₹5 प्लस GST पर ट्रांजेक्शन फॉर मिनी स्टेटमेंट। अगर आप मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हो तो ₹5 प्लस GST होगा। कैश विड्रॉल या डिपॉजिट है तो फिर ₹20 प्लस GST पर ट्रांजेक्शन होगा, और 3 ट्रांजेक्शन शुरू के फ्री होंगे। विच बैंक एक्वायर्स एडिशनल स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस फॉर 336 करोड़। तो ये किस बैंक ने एक्वायर किया है? ये किया है एक्सिस बैंक ने, एडिशनल स्टेक लिया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 336 करोड़ का। अब इनका जो शेयर होल्डिंग रेशियो परसेंटेज है एक्सिस एंटिटीज का 19.20 हो से 19.66% हो चुका है। अब और चीज नोट कीजिएगा कि बैंक ऑफ इंडिया ने अक्वायर किया है स्टेक इन द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कितना? 6.125% का स्टेक अक्वायर किया है, और उसका जो अमाउंट है 6,125 करोड़ रुपीज का। इससे ये होगा कि जो भी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है गिफ्ट सिटी IFSC यहाँ पे बढ़ेगा, और बैंक का जो कमिटमेंट है ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ गिफ्ट सिटी और उसे एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाना चाहते हैं, तो वहां पे भी इनका रोल इम्प्रूव होगा। HSBC और SBI ने भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड IFSC लिमिटेड में। 6.125% का स्टेक लिया है जिसकी वैल्यू है 6,125 करोड़ ईच। वही चीज ये भी है कि REC लिमिटेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है उसे भी अप्रूवल मिला है RBI से कि वो एक अपनी सब्सिडियरी बना सके गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूनिट हैज लेवीड अ पेनल्टी एक्सीडिंग 1.66 करोड़ ऑन विच बैंक फॉर नेग्लेक्टिंग टू इम्प्लीमेंट एडिक्वेट मेजर्स टू आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूनिट ने, इंटेलिजेंस यूनिट ने पेनल्टी लगाई है 1.66 करोड़ से ज्यादा। तो ये किस बैंक पे लगाई है? क्योंकि उन्होंने नेग्लेक्ट किया था, जो भी उनके सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है उन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया और उन्हें रिपोर्ट नहीं किया।
ये लगाई गई है एक्सिस बैंक पे। और भी दूसरी बैंक्स पे पेनल्टी लगी है तो वो देखते हैं। आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है 88.70 लाख रुपीज की ऑन एसबीएम बैंक इंडिया। अब इन पे इसलिए लगी है क्योंकि उन्हें नॉन कम्प्लायंस जो भी स्पेसिफिक रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं उसे फॉलो नहीं किया। आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है एचएसबीसी लिमिटेड ने लिमिटेड पे 36.38 लाख की क्योंकि उन्होंने रूल्स तोड़े हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के। आरबीआई ने और पेनल्टी लगाई है आईसीआईसीआई बैंक में और येस बैंक पे। आईसीआईसीआई बैंक पे लगी है 1 करोड़ की क्योंकि उन्होंने इम्प्रॉपर लोन प्रैक्टिस की है। और येस बैंक पे लगाई है 91 लाख की क्योंकि उन्होंने कस्टमर से जो है रूल्स के अकॉर्डिंगली चार्ज नहीं किया है क्योंकि उन्होंने मिनिमम बैलेंस सेविंग अकाउंट में नहीं रखा था। तो वो आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उन्हें वॉयलेट किया गया है। आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड सोनाली बैंक पीएलसी पे भी पेनल्टी लगाई है क्योंकि उन्होंने जो है कस्टमर प्रोटेक्शन और केवाईसी नॉर्म्स की जो रूल्स हैं उसे तोड़ा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फेस किए 1.45 करोड़ की पेनल्टी एंड सोनाली बैंक पीएलसी ने पे फाइन लगा है 96.4 लाख की पेनल्टी जो कि केवाईसी डायरेक्शन जो था उसके हिसाब से केवाईसी नहीं किया गया था। SBI partners with 23 NBFCs and HFCs sanctioning how much amount of loan to 2.79 lakh borrowers. SBI ने 23 NBFCs और HFCs के साथ पार्टनरशिप की है जिससे वो कितने अमाउंट का लोन दे सकेंगे 2.79 लाख बोरोवर्स को। तो ये किया गया है 2030 करोड़ का। अब इसका एम ये था कि इन्होंने जो 2030 करोड़ का लोन दिया है 2.79 लाख बोरोवर को ये इनकी बैंक की एनुअल रिपोर्ट में आया था। ये इसीलिए किया गया था जिससे जो भी एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है क्रेडिट ऑपरेशंस का वो दिया जा सके जिससे अंडरराइटिंग सैंक्शन डिसबर्समेंट एंड कलेक्शन फॉर एनबीएफसी को लैंडिंग। मतलब उनको ये था कि एनबीएफसी को बढ़ाना है तो उन्हें पेमेंट करना है लोन प्रोवाइड करना है तो इसीलिए उन्होंने फुल्ली डिजिटल मोड में लोन दिया था 3 लाख रुपीज तक का। और ये बैंक की कमिटमेंट थी कि डिजिटल इनोवेशन होगा लेंडिंग प्रोसेस में। मतलब जो लोन देंगे वो पूरा के पूरा डिजिटली दिया जाएगा। मूडीज मेंटेन स्टेबल आउटलुक ऑन विच पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो वो किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा कैनरा बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। आंसर का ऑल ऑफ दी अबव। अब मूडी ने जो है वो BAA3 की रेटिंग दी है तीनों पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए जिसका मतलब होता है कि इनका जो आउटलुक है वो स्टेबल है। दोनों तीनों जो बैंक है वो स्टेबल है। आरबीआई एब्जॉर्ब्स हाउ मच अमाउंट थ्रू वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑप्शन। तो ये किया गया है 44,430 करोड़ का। इतने इतने अमाउंट का जो है ऑप्शन को एब्जॉर्ब इतने अमाउंट को एब्जॉर्ब किया गया है थ्रू वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑप्शन। तो ये क्या होता है इसे देखते हैं। आरबीआई ने दो वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑप्शन कंडक्ट किए थे जिसकी टोटल अमाउंट थी 44,430 करोड़ की जिसको वो एब्जॉर्ब करना था। यानी बैंकिंग सिस्टम में पैसा ज्यादा हो गया था इसीलिए उन्हें क्या करना पड़ा कि पैसे रिटर्न लेने पड़े। तो उसको वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑप्शन के थ्रू पैसे रिटर्न लिए गए हैं। इतने पैसे रिटर्न लिए गए हैं बैंकिंग सिस्टम से। तो ये सेंट्रल बैंक रेडी नहीं था उसके बाद भी 44,430 करोड़ का पैसा वापस आया है। अब BRRR ऑप्शन डिटेल देखते हैं। बैंक ने पहले ऑप्शन में 32,576 करोड़ का डिप्लॉय किया था जिसका टोटल अमाउंट सोचा गया था कि 50,000 करोड़ का करेंगे बट 32,576 करोड़ का हुआ। और मार्केट एनालिसिस के हिसाब से लिक्विडिटी सरप्लस बैंकिंग सिस्टम में 98,920 करोड़ तक पहुंच गया था इसीलिए आरबीआई को ये एक्शन लेना पड़ा। सेबी हैज फॉर्म्ड अ कमिटी टू रिव्यू एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट टू द ओनरशिप एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। हु इज द हेड ऑफ दिस कमिटी। तो इसकी हेड बनी है उषा थोरात। उषा थोरात जो है वो फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई रह चुकी है। इन्हें कमिटी का हेड बनाया है और वो कमिटी का काम ये होगा कि ओनरशिप राइट्स एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बताना है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को सजेस्ट करना है और रिव्यू देना है उसका।
विच बैंक हैज फॉर्म स्ट्रेटेजिक बैंक अश्योरेंस अलायंस विथ बजाज आलियंस जनरल इंश्योरेंस टू एनहेंस इंश्योरेंस रीच एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया? तो ये किया जाएगा एक्सिस बैंक के साथ मिलके। एक्सिस बैंक एंड बजाज आलियंस जनरल इंश्योरेंस का बैंक अश्योरेंस हुआ है, जिससे एक्सिस बैंक के थ्रू जो भी बजाज आलियंस के प्रोडक्ट्स होंगे इंश्योरेंस के, वो सब के सब सेल किए जाएंगे, जिससे उनकी कस्टमर्स तो होंगे एक्सिस बैंक के, लेकिन हर एक पर्सन तक जो भी है इंश्योरेंस प्रोडक्ट पहुंचा जा सकता है, क्योंकि उनका एम यह है कि इंश्योरेंस ज्यादा से ज्यादा लोग लें और फाइनेंशियल इंक्लूजन हो इंडिया में। अभी फिलहाल बैंक क्लिनिक बना हुआ है। अब बैंक क्लिनिक होता क्या है ये देखते हैं। बैंक क्लिनिक जो है वो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने इनिशिएट किया है, जिसका एम ये है कि रिटेल जो कस्टमर्स हैं उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करना, जो भी उनकी ग्रीवियंस जो भी प्रॉब्लम है उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करना हो तो वो बैंक क्लिनिक प्रोवाइड करेगा। और ये बैंकिंग टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा चेंज आएगा कि जो आरबीआई ने सेट किया है। अब बैंक क्लिनिक ने वेबसाइट भी लॉन्च की है जो है banksclinic.com, जिसमें कस्टमर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है, रेलेवेंट रेगुलेटरी गाइडेंस मिल सकती है, और वो 5 दिन के अंदर उन्हें करना है, विद इन 5 वर्किंग डेज। अब ये प्लेटफॉर्म जो है वो डायरेक्टली कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं करेगा, बट ये जो भी वैल्यूएबल रिसोर्स होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो बताएगा। विच बैंक एंड मास्टर कार्ड इंट्रोड्यूस्ड एनएफसी साउंड बॉक्स? तो ये किया गया है एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड ने मिलके एनएफसी साउंड बॉक्स किया है लॉन्च। तो अब ये देखते हैं कि ये होता क्या है। एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड ने एनएफसी साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। ये क्या होगा कि रीडिफाइन पेमेंट एक्सपीरियंस सेट करेगा इंडिया में। अब ये एक इनोवेटिव डिवाइस है, ऑल इन वन सॉल्यूशन है। इसमें जो भी यूजर्स हैं वो अलग अलग पेमेंट मेथड कर सकते हैं, जैसे भारत क्यूआर, यूपीआई, टैप एंड पे एंड टैप प्लस पिन। अब इसके फीचर्स क्या हैं साउंड बॉक्स के? टैप प्लस पिन कैपेबिलिटी है जो एक्सिस बैंक है इसने इंट्रोड्यूस किया है, टैप प्लस पिन पेमेंट इन इंडिया। अब इसकी ट्रांजेक्शन एक्सीड करेगी 5,000 वाया कार्ड इंस्ट्रूमेंट, अगर आप कार्ड के थ्रू कर रहे हो तो 5,000 से ज्यादा करेगी। डुअल कंफर्मेशन फीचर होगा, यानी सीमलेस ट्रांजेक्शन और सिक्योर ट्रांजेक्शन होगा एक्सपीरियंस कर सकते हो आप, और जो भी होगा वो 2 बार कंफर्मेशन मिलेगा, और ये 7 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। एक बार डिवाइस जो है वो ऑडियो क्लू देगा आपको स्पीकर के थ्रू, और आप विजुअली भी देख सकते हो स्क्रीन पे। तो ये 12 कंफर्मेशन फीचर है। सुपीरियर कनेक्टिविटी चाहिए इसके लिए, आपको 4G+ वाईफाई कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपके इक्विपमेंट में, तो इजीली ट्रांजेक्शन हो सकता है। सपोर्ट फॉर लीडिंग पेमेंट नेटवर्क। अब ये जो बड़े बड़े लीडिंग पेमेंट नेटवर्क हैं, जैसे वीजा, रुपे एंड अमेरिकन एक्सप्रेस, इनका सपोर्ट और कन्वीनियंस है जिस वजह से ये वर्क कर रहा है। डायनामिक क्यूआर इंटीग्रेशन होगा, जो सिंप्लीफाइंग पेमेंट प्रोसेस है एनएफसी साउंड बॉक्स उसे डायनामिक क्यूआर को सपोर्ट करेगा, जिस वजह से जो भी कस्टमर स्कैन करेगा वो ऑटोमेटिकली अमाउंट फिल कर दिया जाएगा। एक चीज और नोट कीजिएगा, क्रेड ने भी एक इनोवेटिव चीज लॉन्च की है, वो है यूपीआई बेस्ड स्कैन एंड पे सर्विस। अब ये जो एंट्री होगी वो ऑफलाइन पेमेंट्स की होगी, जैसे कि फोन पे, गूगल पे एंड पेटीएम, ये ऑफलाइन में पे कर सकते हैं। अब इसमें जो सर्विसेज अलाउ की गई है यूजर के लिए, वो पेमेंट होगा डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक अकाउंट यूजिंग क्यूआर कोड, जो क्यूआर कोड यूज करके उनके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। अब ये लार्ज फॉर्मेट स्टोर में होगा, जैसे कि सुपरमार्केट के लिए कर सकते हो, फास्ट फूड जॉइंट्स, ब्यूटी सलून्स एंड फैशन बुटीक्स। Which institute committed $2.6 billion in sovereign lending to India in 2023, aiming to bolster various sectors including urban development, power, industry, horticulture, connectivity, and climate resilience? तो ये देगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कमिट किया था 2023 में कि वो $2.6 billion का लोन देगा, जो कि अलग अलग सेक्टर्स के लिए होगा, अर्बन डेवलपमेंट के लिए, पावर, इंडस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, कनेक्टिविटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए दिया जाएगा। पूना वाला फिन कॉर्प पार्टनर विद विच बैंक टू लॉन्च को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड? तो ये किया गया है पूना वाला एंड इंडसइंड बैंक ने मिलकर। अब इस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का नाम रखा है इंडसइंड बैंक पूना वाला फिनकॉर्प ई लाइट रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड।
अब ये कार्ड जो है डिजाइन किया गया है कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है उसे बढ़ाने के लिए इसमें रिवॉर्ड्स और बेनिफिट भी मिलेंगे विदाउट एनी ज्वाइनिंग और एनुअल फीस। इसमें ज्वाइनिंग और एनुअल फीस नहीं लगेगी। आरबीआई ने 3 मेजर इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, तो चलिए वो देखते हैं। आरबीआई ने लॉन्च किया प्रवाह, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप एंड फिनटेक रिपोजिटरी। तो इन्होंने ये बाय मंथली स्टेटमेंट में दिया था, कब? अप्रैल 2023 में, अप्रैल 2024 एंड दिसंबर 2023 में दिया था। अब इसका एम ये है कि जो भी रेगुलेटरी प्रोसेस है या जो भी जो प्रोवाइड इजियर एक्सेस टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इजीली एक्सेस कर सके रिटेल इन्वेस्टर्स और फिनटेक सेक्टर्स को अच्छे से समझ सके, इसीलिए ये 3 मेजर इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। तो चलिए एक एक के बारे में पढ़ते हैं। प्रवाह पोर्टल। प्रवाह पोर्टल इज डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर वेरियस रेगुलेटरी अप्रूवल। प्रवाह पोर्टल एक ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो अलग अलग रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं उसके लिए डिजाइन किया गया है। ये इंडिविजुअल और एंटिटीज ऑनलाइन अप्लाई करती हैं, जिस वजह से उनकी जो एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस है वो बढ़ेगा, और रिलेटेड टू जैसे ग्रांट अप्रूवल्स या फिर जो भी क्लियरेंस बाय द आरबीआई होता है उसके प्रोसेस की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए ये प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये पूरा ऑनलाइन होगा। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप का एम ये है कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें सीमलेस एक्सेस मिले रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म का, और ये सिंप्लीफाई करेगा जो भी इनकी जो ट्रांजेक्शन्स होंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेके, उसके प्रोसेस को सिंपल बनाएगा और मोर कन्वीनियंट बनाएगा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए। फिनटेक रिपोजिटरी क्या करेगा? फिनटेक रिपोजिटरी जो है ये पूरा डेटाबेस को कॉम्प्रिहेंसिव करेगा इंडियन फिनटेक फॉर्म्स का, और ये ऑफर करेगा बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्टर्स। विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड यस ग्रैंडियोर, अ प्रीमियम बैंकिंग सर्विसेज डिजाइन टू प्रोवाइड टेलर्ड फाइनेंशियल एंड लाइफस्टाइल सॉल्यूशन। यस ग्रैंडियोर एक प्रीमियम बैंकिंग सर्विस लॉन्च की गई है जो कि फाइनेंशियली मतलब एक प्रॉपर इसके लिए की गई है जो फाइनेंशियली अपने हिसाब से चेंज करवा सकते हैं, उनका जो भी लाइफस्टाइल है उस हिसाब से वो बैंकिंग सर्विसेज ले सकते हैं। ये एक प्रीमियम सर्विस है जो बैंक प्रोवाइड करेगी, तो ये करेगी एक्सिस बैंक। अब ये जो इनका मंथली बैलेंस होगा 5 लाख और उनका जो नेट रिलेशनशिप वैल्यू होगा 20 लाख का होगा, तो उनको ये बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा कि इन्हें डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर्स होंगे, प्रेफरेंशियल रेट होगा, एग्जेम्पशन ऑन चार्जेस होगा, डिस्काउंट मिलेगा लॉकर फैसिलिटीज पे। मतलब ये एक प्रीमियम सर्विस है जो कि यस बैंक प्रोवाइड करेगी। विच बैंक टॉप्स अमंग पीएसयू बैंक इन बिजनेस ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 24। तो ये किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जिन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ रेट परफॉर्मेंस दिया है टोटल बिजनेस और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में। उनका जो राइज है 15.94% हो चुका है टोटल बिजनेस में, और जो उनकी डिपॉजिट है 15.66% की इंक्रीज देखी गई है डिपॉजिट में। इस वजह से बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टॉप किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर साइन एमओयू विद विच बैंक टू एनहेंस डिजिटल पेमेंट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स वाया ई माइग्रेट पोर्टल। तो ये किया गया है एसबीआई के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एसबीआई ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है जो कि एसबीआई का पेमेंट गेटवे है एसबीआई ई पे, उसके साथ विद द ई माइग्रेट पोर्टल, और ई माइग्रेट पोर्टल के साथ में एमओयू साइन किया गया है। इसका एम ये है कि जो भी डिजिटल पेमेंट सर्विसेज है इंडियन माइग्रेंट वर्कर की उसे इम्प्रूव किया जाए, जैसे जो भी रिक्रूटिंग एजेंट्स होते हैं या फिर जो भी पोर्टल यूजर्स होते हैं उनका जो सर्विसेज है उसे इम्प्रूव किया जाए और उनको जो सेटिस्फाई किया जाए इस फैसिलिटी के थ्रू। विच बैंक हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 बाय सेंट्रल बैंकिंग, अ रेनाउंड पब्लिकेशन हेडक्वार्टर्ड इन लंडन। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 इसका अवार्ड मिला है आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अब ये एक सजेशन आया था, एटीएम ऑपरेटर्स जो हैं वो बोल रहे हैं कि 2 रुपीज का जो इंटरचेंज फी है उसे बढ़ाने के लिए। अभी तक इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया, बट आप सिर्फ इसे एक ध्यान में रखना कि जो एटीएम में 21 रुपीज का चार्जेस लगता था उसको बढ़ा के 23 रुपीज का चार्जेस बोल रहे हैं, बट अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है।
तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कितने का सोचा गया है, तो वो है 23 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। और जो है कुछ ट्रांजेक्शंस फ्री होते हैं, जैसे 5 ट्रांजेक्शन फ्री होते हैं पर मंथ के मेट्रो सिटीज में, और 3 ट्रांजेक्शन जो है अदर बैंक के एटीएम में फ्री होते हैं। तो इसके अलावा जो आप यूज करोगे तो उसमें आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। विच पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम दी आरबीआई टू ऑपरेट एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर अंडर पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007। पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंडर किसी ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का ऑपरेशन करने का अप्रूवल मिल चुका है आरबीआई से। तो ये मिला है ओरियन प्रो पेमेंट्स को, ओरियन प्रो पेमेंट्स। अब ये जो है ये सब्सिडरी है ओरियन प्रो सॉल्यूशंस की, इसे आरबीआई से अप्रूवल मिल गया है ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का, जो कि पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंडर आता है। ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जो कि पेमेंट सर्विसेज, डिजिटल पेमेंट सर्विसेज ऑफर करती है मर्चेंट्स को नेशन वाइड, जैसे पेमेंट गेटवे ब्रांड के थ्रू, जो उनका नाम है ओरो पे। कुछ और कंपनीज है जिसे भी अप्रूवल मिला है, जैसे वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट, इसे भी अप्रूवल मिला है पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे ऑपरेट करने के लिए। पीयू डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है जो कि उसे भी अथॉरिटी मिली है आरबीआई से कि वो एक पेमेंट एग्रीगेटर के जिससे काम कर सकती है। गेट वेंटेज एक स्टार्टअप स्पेशलाइजिंग है जो कि रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंस में स्टार्टअप स्पेशलाइज्ड है, और ये एक एनबीएफसी के तौर पे काम करेगी जिसे आरबीआई से अप्रूवल मिला है। ये एनबीएफसी के तौर पे काम करेगी, बाकी सब पेमेंट एग्रीगेटर के लिए अप्रूवल मिला है। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च श्योरिटी बॉन्ड बीमा, अ प्रोडक्ट डिजाइन टू सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बाय प्रोटेक्टिंग कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रिंसिपल्स फ्रॉम ब्रीचेस ड्यूरिंग बिडिंग एंड परफॉर्मेंस स्टेजेस। श्योरिटी बॉन्ड बीमा लॉन्च किया गया है, तो ये किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है ये पूछा, तो ये क्या है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है। अब श्योरिटी बॉन्ड्स क्या होते हैं चलिए वो देखते हैं, श्योरिटी बॉन्ड बीमा क्या क्या है तो वो देखेंगे। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ये एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस आर्म है एसबीआई बैंक का, जो कि श्योरिटी बॉन्ड बीमा लॉन्च किया है जिसने, और ये सपोर्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी अरेंजमेंट। ये सपोर्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, जो कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट प्रोवाइड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। अब इसका पर्पस और फंक्शन ये होगा कि जो गवर्नमेंट का विजन है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसके लिए वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स बिडिंग के टाइम पे या फिर परफॉर्म करने के टाइम पे, यानी प्रोजेक्ट जब लेते हैं उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि ब्रीच कर देते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो ना हो इस वजह से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस उसे सपोर्ट करेगा, उसे श्योरिटी प्रोवाइड करेगा। और ये दोनों के लिए होगा, कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी होगा और प्रिंसिपल के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, ये दोनों के लिए पोटेंशियल रिस्क होता है, तो इसके लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब रेंज ऑफ बॉन्ड क्या होगा, श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जैसे बिड बॉन्ड्स है, एडवांस पेमेंट बॉन्ड्स है, परफॉर्मेंस बॉन्ड, रिटेंशन मनी बॉन्ड, ये चारों बॉन्ड इसमें इंक्लूडेड है जिसके लिए श्योरिटी मिलेगी। ये बॉन्ड जो है अलग अलग ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट कर रहे हैं, जो जो कि आज का जो टाइम है एनवायरमेंट है वो वॉलेटाइल है, फिक्स नहीं है, तो ये सबके लिए कैटर करेंगे। अब इसमें वेरियंट है, कंडीशनल बॉन्ड है और अनकंडीशनल बॉन्ड है। कंडीशन में पे अ स्पेसिफाइड सम टू द बेनिफिशियरी अपॉन क्लेम व्हेन स्पेसिफिक कंडीशंस आर मेट, मतलब कंडीशन बॉन्ड ये वो होंगे कि जब कोई कंडीशन पूरी हो जाती है उस टाइम पे वो पैसा पे करेगा, और अनकंडीशनल में मनी बेनिफिशियरी को जो मनी है वो जब वो क्लेम करेगा उसमें उस टाइम पे मिलेगा और कोई कंडीशन नहीं होगी या फिर मिनिमल कंडीशन होगी। अश्योरेंस टू प्रोजेक्ट ओनर्स, अब प्रोजेक्ट जो देता है उसे अश्योरेंस मिल जाता है कि श्योरिटी बॉन्ड्स है तो हमें जो है वो अश्योरेंस मिल गया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसका प्रोजेक्ट क्या करेगा कंप्लीट करके ही जाएगा, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस को इजीली फॉलो कर सकते हैं। एसबीआई से रिलेटेड कुछ और न्यूज है तो वो देखते हैं। एसबीआई कार्ड ने 3 वेरियंट इशू किए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं। ट्रैवल सेंट्रिक क्रेडिट कार्ड्स होंगे जो कि ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये कार्ड स्पेशली बने हैं, जैसे एसबीआई कार्ड माइल्स केटरिंग टू डाइवर्स ट्रैवल नीड। एसबीआई कार्ड माइल्स बना है जो कि
ट्रैवल की जो नीड्स हैं उसे फुलफिल करेगी। इसमें तीन वेरिएंट है, एसबीआई कार्ड माइल्स इलाइट, एसबीआई कार्ड माइल्स प्राइम एंड एसबीआई कार्ड माइल्स। ये डिजाइन किए गए हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रैवलर्स जो कि फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, और इनकी एनुअल फीस होगी एसबीआई कार्ड माइल्स की 1499 से लेके 4999 तक बिफोर टैक्स। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने इनॉग्रेट किया है आइडिएशन एक्स। ये एक इनिशिएटिव है जो कि एम करेगा लाइफ इंश्योरेंस इनोवेशन को, मतलब लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या इनोवेशन ला सकते हैं अपन, तो उसके लिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने इनॉग्रेट किया था आइडिएशन एक्स। ये एनकरेज कर रहा है जो भी टॉप 20 स्कूल के लीडर्स हैं वो अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें जिससे इसमें लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में चेंजेस आ सके। आरबीआई ने बॉन्ड रिपर्चेस किया था, तो उसने नोटिफाई किया था कि 60,000 करोड़ का बॉन्ड रिपर्चेस होगा, बट बैंक्स ने नहीं उस चीज को सपोर्ट किया, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, और कितने का हुआ, सिर्फ 2,069 करोड़ का हुआ। बैंक ने इसलिए नहीं किया क्योंकि आरबीआई जो है वो उसे कम प्राइस में लेना चाहती थी, और बैंक वो सेल नहीं कर सकती लोअर प्राइस में क्योंकि उन्होंने जो पैंडेमिक के टाइम में हायर रेट्स में बॉन्ड को परचेज किया था, इसलिए वो कम रेट में सेल करके अपना लॉस नहीं करवाना चाहती थी, इसीलिए ये चीज को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, और सिर्फ 2,069 करोड़ का बॉन्ड रिपर्चेज हुआ है। विच फिनटेक कंपनी लॉन्चेस यूपीआई इन श्रीलंका इन पार्टनरशिप विद लंका पे? तो ये किया गया है फोन पे के साथ। फोन पे और लंका पे ने मिलकर यूपीआई पेमेंट इंट्रोड्यूस किया है श्रीलंका में, जिससे जो फोन पे यूजर्स हैं वो यूटिलाइज कर सकें यूपीआई ट्रांजेक्शन अक्रॉस लंका पे क्यूआर मर्चेंट। जो लंका पे क्यूआर मर्चेंट्स होंगे तो वहां पे फोन पे के यूजर्स भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब इससे ये होगा कि जो भी पेमेंट एक्सपीरियंस है इंडियन टूरिस्ट का या बिजनेस ट्रैवलर्स का श्रीलंका में, वो इजीली फोन पे के थ्रू वहां पे पेमेंट कर सकते हैं। और एक चीज नोट करना, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने जो है बैंक ऑफ नामीबिया के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे वो रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लॉन्च करेंगे। इंडिया का जो यूपीआई है उसके जैसा नामीबिया में भी लॉन्च करेंगे। विच बैंक इंट्रोड्यूसेस पिक्सल प्ले इंडिया प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड विद वीजा? अब पिक्सल प्ले इंडिया का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड होगा वीजा के साथ। तो ये किसने किया ये पूछा गया है, ये किया है एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने पिक्सल प्ले ले किया है जो इंडिया का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, पार्टनरशिप की है उन्होंने वीजा के साथ। दो वेरिएंट है इसके, पिक्सल प्ले एंड पिक्सल गो। अब ये एक इनोवेटिव कार्ड है जो कि उनके यूजर्स को एम्पावर करता है अपने हिसाब से कार्ड को पर्सनलाइज कर लो, जिस हिसाब से उनका लाइफस्टाइल है उस हिसाब से वो प्रेफरेंसेस चूज कर सकते हैं, मर्चेंट्स चूज कर सकते हैं, और ये सब किया जाएगा बैंक की जो पेज ऐप है मोबाइल ऐप उसके थ्रू। फाइनेंशियल ईयर 24 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने कितना प्रॉफिट कमाया है वो देखते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक ने जो प्रॉफिट किया है वो 1.4 लाख करोड़ को क्रॉस किया है, तो याद रखना ये डायरेक्ट अमाउंट भी पूछा जा सकता है। ये फाइनेंशियल ईयर जो मार्च 2024 में एंड हुआ है उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक ने टोटल 1.4 लाख करोड़ से भी ज्यादा क्रॉस किया है प्रॉफिट, जो कि 35% का इंक्रीज देखा गया है पिछले साल से। पिछले साल 1.04 लाख करोड़ था। इसमें सबसे ज्यादा मेजर कॉन्ट्रीब्यूट एसबीआई, उसका 40% ऑफ द टोटल अर्निंग एसबीआई की है। इसमें एसबीआई ने जो है 22% का ग्रोथ किया है, मार्केट लीडर, उसका प्रॉफिट है 61,077 करोड़, जो कि 22% इंक्रीज है पिछले साल से। और प्रॉफिट सर्ज जो अमंग पीएसबीज हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसने कमाया है, पंजाब नेशनल बैंक ने, जो कि नेट प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज वाइज देखा जाएगा तो वो 228% ज्यादा है पिछले साल से। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 62% ज्यादा है, एंड देन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 61% का राइज है। अगर परसेंटेज वाइज पूछा जाएगा तो वो पंजाब नेशनल बैंक है, और अगर इस टोटल की टोटल में सबसे ज्यादा अर्निंग जिसने की है वो की है एसबीआई ने। सिग्निफिकेंट प्रॉफिट ग्रोथ कितनी हुई है वो देखते हैं। सेवरल पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने विटनेस किया है कि ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। सबसे ज्यादा हुई है बैंक ऑफ इंडिया की 57%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 56% एंड इंडियन बैंक 53%।
पंजाब एंड सिंध बैंक में ने डिक्लाइन देखा है कि उन्होंने 55% का डिक्लाइन देखा है नेट प्रॉफिट में। हाई अर्निंग्स अमंग पीएसबीज, सबसे ज्यादा अर्निंग जो हुई है वो ये बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैनरा बैंक, इनका प्रॉफिट हुआ है दोनों का 10,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है। और अगर प्रॉपर देखा जाएगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने 17,788 करोड़ और कैनरा बैंक ने 14,554 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट आरबीआई? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं आर लक्ष्मीकांत राव। विच बैंक इंट्रोड्यूसेस यूपीआई फॉर एनआरआई यूजिंग इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स? तो ये किया गया है एक्सिस बैंक, सॉरी आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने ये फीचर लेके आया है कि जो भी एनआरआई कस्टमर्स हैं वो यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इंडिया में उनके इंटरनेशनल मोबाइल नंबर के थ्रू, जिससे वो भी सिंप्लीफाई कर सकेंगे उनकी जो डेली पेमेंट है एनआरआई के, वो इजीली ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। आरबीआई ने जो है फंडिंग मार्जिन फंडिंग लिमिट्स है 50% से कम करके कितनी कर दी है, 30% कर दिया। जो स्टॉक एक्सचेंज की जो इक्विटीज होती है उसमें जो ट्रेड सेटलमेंट का टाइम है वो कम कर दिया गया है। पहले T+2 डेज होता था, यानी जिस दिन आपने इक्विटी शेयर्स लिए हैं तो वो क्लियर होने में, पूरा प्रोसेस होने में 2 दिन लगता था, बट अब वो T+1 एंड T+0 डेज हो चुके हैं, यानी एक दिन में या फिर उसी दिन वो क्लियर हो जाते हैं। तो इस वजह से इनका जो मैक्सिमम रिस्क था वो कस्टडियन बैंक का, वो कम हो चुका है। तो इसलिए आरबीआई ने क्या किया है, 50% जो पहले रखते थे अब उसे कम करके 30% ले आए हैं। विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्चेस नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट कैंपेन एम्ड एट सिंप्लीफाइंग एंड एक्सपीडिटिंग लाइफ इंश्योरेंस परचेज थ्रू इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? मतलब ये एक प्रोग्राम कैंपेन लॉन्च किया है, नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट कैंपेन। ये किसने किया है? ये किया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने। तो इन्होंने ये इसलिए लॉन्च किया है कि जिससे इंश्योरेंस पॉलिसीज जो भी परचेज की जाती है वो सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो सके, और वो इंश्योरेंस पॉलिसी को जो आप परचेज कर रहे हो वो उसका प्रोसेस जो है वो काफी सिंपल हो सके, उसमें कोई भी झंझट ना हो। विच बैंक कोलैबोरेटेड विद ANQ टू लॉन्च ई एंड फी क्रेडिट कार्ड्स? तो ये किया गया है एक्सिस बैंक ने ANQ के साथ मिलके दो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं, पी एंड फी। इनका एम ये है कि जो भी ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसको फिनटेक सॉल्यूशन के साथ ब्लेंड करना है, मिक्स करना है। पी कार्ड जो होगा वो डिजिटल ओनली क्रेडिट कार्ड होगा, यूपीआई पे जो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए होगा, और जो फी कार्ड है वो फिजिकल एक्सेस होगा जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल परचेज दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। आरबीआई ने नई गाइडलाइंस लाए हैं ARC के लिए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। आरबीआई ने एक मास्टर डायरेक्शन लेके आए हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए जो कि अप्रैल 2024 से आई है। ये गाइडलाइंस का एम ये रहेगा कि जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ARC का, जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इफेक्टिवनेस है उस डिस्ट्रेस एसेट का, उसे जल्दी से रिजॉल्व करना। अब ARC के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पहले होता था 100 करोड़ का, बट अब उसे बढ़ा के मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कर दिया गया है 300 करोड़। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए इसे याद रखना अच्छे से कि 300 करोड़ कर दिया गया है। एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बननी है तो आपको 300 करोड़ आपके पास मिनिमम कैपिटल होना चाहिए। अब ARC जो है मिनिमम नेट ओन्ड 1,000 करोड़ के लिए अगर एलिजिब है उसके पास, तो वो एलिजिबल है रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स के लिए, तो वो एप्लीकेंट्स के रिजोल्यूशन सॉल्व कर सकती है। अब उन्हें परमिट किया जाएगा कि वो इन्वेस्ट कर सके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, डिपॉजिट्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वो सब कर सके, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स जैसे मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स है, कॉर्पोरेट बॉन्ड है, उसमें वो इन्वेस्ट कर सकेगी। अगर वो 1,000 करोड़ के लिए नेट ओन फंड है उसके पास तो वो एलिजिबल है। इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस ये है कि इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट बाय ARC आर कैप्ड एट 10% ऑफ द, अगर उन्हें शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है ARC को, तो वो 10% ऑफ द नेट ओन फंड, उनकी जो नेट ओन फंड है उसका सिर्फ 10% ही वो कर सकती है, और उसमें भी कुछ क्राइटेरियाज होंगे क्रेडिट रेटिंग को लेके। रुपे कोलैबोरेटेड विद विच इंस्टीट्यूट टू इंट्रोड्यूस लिंक इट फॉरगेट इट कैंपेन ड्यूरिंग द IPL 2024? तो ये किया गया है NPCI के साथ मिलके।
इसमें इनका एम ये था कि जो भी सीमलेस इंटरैक्शन है, इंटीग्रेशन है रुपे क्रेडिट कार्ड का यूपीआई पे, उसका कन्वीनियंस दिखाना है। फिजिकल वॉलेट आपको जो है वो छोड़ के आप इसे पूरा डिजिटली यूज करें, यूपी क्रेडिट कार्ड को यूज करें यूपीआई के थ्रू। विच बैंक बिकम्स फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन ब्रांच इन लक्षद्वीप? तो ये बनी है HDFC बैंक। ये पहली बैंक बनी है जिन्होंने कावरती आइलैंड में पहला ब्रांच ओपन किया है जो कि लक्षद्वीप में है। अब इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था, यहीं पे ये सेशन एंड होता है। मैंने जितने हो सकते थे सारे के सारे बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आपके आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस इसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इससे होंगे रिलेटेड, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सभी की सभी क्वेश्चन हो। तो आप जितना हो सके उतना अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि इसमें मैंने हर एक चीज इंक्लूड की गई है। कोई भी 6 मंथ से रिलेटेड, 6 मंथ में जितने भी थे कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। तो बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।